हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस खास वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास रियलमी का ए टू जेड कोई सा भी सेट है तो आप उसमें अपने मोबाइल को कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से सीख जाएंगे कि आप अपने रियलमी के किसी भी सेट को किस तरह से रीसेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो आए वो आप तक जरूर पहुंचे। तो फ्रेंड्स, रियलमी के सेट को रीसेट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग में। तो आप जैसे ही मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे तो आपके लिए ऊपर के लिए थोड़े स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एडिशनल सेटिंग। अगर आपके मोबाइल में ये एडिशनल सेटिंग शो नहीं हो रहा है तो आप सिंपल से यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं एडिशनल। जैसे आप एडिशनल ऐसे इतना भी टाइप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका सबसे ऊपर ये आ रहा है, तो आपको सिंपल इस पर टच करना है। टच करने के बाद अब आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद सबसे नीचे मिलेगा बैकअप एंड रीसेट, तो सिंपल सा आप इस पर टच कर दें। टच करने के बाद अब आपको सबसे ऊपर ऑप्शन देखने मिलेगा बैकअप एंड रिस्टोर। यहाँ से आप अपने सारे डाटा को बैकअप कर लें क्योंकि मोबाइल रिसेट करने के बाद आपके पास कोई भी डाटा नहीं बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बैकअप करने के बाद अब आपको सबसे नीचे ऑप्शन देखने मिलेगा रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग्स, तो आपको इस पर टच करना है। इस पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक चुन सकते हैं। जैसे पहला मिला रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, यानी कि मोबाइल के अगर सिस्टम में आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो आप ऊपर वाला रीसेट कर सकते हैं। इससे आपका ना तो कोई ऐप डिलीट होगा जो भी आपने डाउनलोड करा है, ना ही कोई डाटा, ना ही कोई कॉल हिस्ट्री, ना ही SMS। यानी कि अगर आप रीसेट सिस्टम सेटिंग पर टच करते हैं तो केवल आपके जो सिस्टम की सेटिंग है वो ही रीसेट होगी। लेकिन सेकंड दे रखा है इरेज डाउनलोडेड ऐप्स, तो सेकंड वाले में आपका क्या होगा कि आपने जो भी डाउनलोड कर रखे हैं ऐप, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, कोई भी अगर डाउनलोड किए हुए ऐप्स हैं तो बहुत सारे इरेज हो जाएंगे, साथ ही साथ उनका डाटा भी। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड दे रखा है इरेज ऑल डाटा। इसमें आप टच करते हैं तो इसमें आपका सारा डाटा क्लियर हो जाएगा, जैसा कि आपके डाउनलोड किए गए ऐप, साथ ही साथ सिस्टम सेटिंग के सारे ऐप, और नीचे आपने देखा होगा कॉल हिस्ट्री। मतलब इससे आपको थर्ड वाले पर टच करते ही सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। अब बसता सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट में आपकी केवल कॉल हिस्ट्री और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर की हिस्ट्री डिलीट होगी। ठीक है, और लास्ट वाले में SMS और MMS मैसेज होंगे जो मोबाइल में स्टोर किए हुए, वो आपके डिलीट हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना डाटा क्लियर करना है तो आप सिंपल इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद आपने अगर टच कर दी किस पे, इरेज डाटा, अगर आपने जैसे इस पर टच करा तो आपका सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे मुझे अपने मोबाइल का डाटा नहीं करना है, अगर आपको अपने मोबाइल का करना है रीसेट तो आप इस पर टच करेंगे तो आपका मोबाइल का सारा डाटा इरेज हो जाएगा, जिससे आपका मोबाइल पूरा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप इनमें से कोई भी अपना एक चुन सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूर। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह आप अपने किसी भी रियलमी के मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मोबाइल रीसेट करने से पहले आप अपने सारे जो भी कीमती डाटा है उसे रिस्टोर ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं या रियलमी के मोबाइल से जुड़ी हुई, तो एक बार जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, जहां हमने आपको रियलमी से जुड़े हुए सारे A to Z टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं। तो आप एक बार जाके हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। मिलते हैं ऐसी अगली खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।